हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं मैसी फर्गुसन 9500 स्मार्ट की, जो कि बेस मॉडल में है। फ्रंट लाइट्स काफ़ी बढ़िया हैं इसकी, 4-4 लाइट्स दी हैं फ्रंट में इसकी, ईयरगार्ड दी हैं, डायनेमिक 100 के साथ ट्रैक्टर दिया है। ये सेम इंजन के साथ आता है जो ओल्ड मॉडल में, बस इसकी क्लच प्लेट 1 इंच बड़ी की है और प्लंटी टाइप सेम है और गेयरबॉक्स चेंज किया है। 16-28 के बैक टायर हैं जो कि हम एडजस्ट कर सकते हैं बाहर की तरफ, और वेट भी कंपनी के साथ से आते हैं 35 किलो के। और जो फ्रंट टायर हैं इसके, उसमें रिम दूसरे दिए हैं जिसमें बीच में स्पेस दिया है, जिससे ट्रैक्टर के लिए बढ़िया रहता है पानी में चलने के लिए। और फ्रंट टायर दिए हैं 7/50/16 के। 9500 स्मार्ट में 4 मॉडल आते हैं। नॉन एडजस्टेबल इसका फ्रंट एक्सल है पावर स्टिंग के साथ, बम्पर भी साथ में आता है इसका। और बम्पर में 4 वेट दिए हैं 25 किलो के, जिससे 1 क्विंटल वजन बढ़ जाता है ट्रैक्टर का फ्रंट से। बहुत बढ़िया वेट है, हैवी वेट है, छोटे भी हैं, बंदा आराम से उठा सकता है छोटा वेट एक एक अगर बंदे को उतारने हो। सामने जाली दी है काफ़ी बढ़िया, और सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग इसमें, जिसमें 4 मॉडल आते हैं। एक में 8+2 गियर बॉक्स आता है, एक में 8+8 का गियर बॉक्स आता है, और एक में 12+4 का आता है, और जो सबसे ऊंचा मॉडल है उसको में 12+12 का गियर बॉक्स आता है। सिलेंसर काफ़ी मोटा दिया टर्बो के साथ। आवाज़ बढ़िया होगी पहले से इसकी, नहीं तो 9500 की पहले आवाज़ बढ़िया नहीं थी। हीट गार्ड दिए हैं साइड में, जिससे ड्राइवर को हीट ना पड़े, काफ़ी मजबूत हीट गार्ड दिए हैं इसके। इसका पावर स्टीयरिंग का ऑयल अलग से दिया है, जिससे सीले कटने के कम चांसेस रहते हैं, और सुबह दिक्कत नहीं होती ट्रैक्टर स्टार्ट जब करते हैं तो गियर बॉक्स ऑयल आता तो स्टीयरिंग घूमता नहीं है। एक मैसी ट्रैक्टर है जिसमें 3 पंप आते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर का, एक पावर स्टीयरिंग का और लिफ्ट का। देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर कैसे जा रही है सप्लाई, देखो ध्यान से। काफ़ी मोटे पैप दिए हैं JCB टाइप, और फिल्टर भी दिया है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए स्पेशल, गंदगी साफ़ करने के लिए, क्योंकि कचरा आ जाता है कई बार। जो मैसी के हिस्से हैं लगभग सबके सेम ही हैं, सब ट्रैक्टरों के। जो स्टेट एक्सल में आते थे उनके थोड़े चेंज है, और सबके पंडी टाइम में सबके हिस्से सेम है, 120 हॉर्स पावर तक। बस थोड़ी उनके एक बीच में पीस लगाया लंबाई बढ़ाने के, कि ट्रैक्टर ज़रा जोर लगाए। जो इंजन है इसमें सिप्सन कंपनी का है, 3 सिलेंडर 327F19। यही सेम इंजन पुराने 9500 में है, बस एक क्लच प्लेट में और गेयरबॉक्स में चेंज किया है, और MSPTO GSPTO सब आता है। ये पावर स्टीयरिंग की स्टोरेज अलग से दी है, इसमें जो गैस बनेगी सब निकल जाती है, जितनी भी गैस बनती है ऊपर देखो, हवा निकालने के लिए बढ़िया दिया है। जो गेयरबॉक्स से सप्लाई आती है वो स्टीयरिंग सुबह ठंड में दिक्कत करता है, और इसका पंप भी इधर की साइड दिया, जो पुराने 9500 का है वो उधर की साइड दिया, ब्रेक की साइड फिल्टर के ऊपर, इसका इधर की साइड दिया है। और रोटरी में मैंने पहली बार देखा कि पंप भी दिया मारने के लिए। और सबसे बड़ी बात, कंपनी ने ब्रीदर दिए हैं, जो सीले लीक करती थी गियर बॉक्स से वो दिक्कत नहीं होगी, जो गैस बनती थी इस चक्कर में सीले लीक करती थी, अब ब्रीदर दे दिए कंपनी ने, जिससे अंदर से गैस निकलती रहे अच्छी तरह। बहुत बढ़िया किया कंपनी ने, 2-2 ब्रीदर दिए हैं, और गियर बॉक्स का ऑयल चेक करने के लिए दिया है। इसमें 45 लीटर गियर बॉक्स ऑयल आता है, जो कि काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर के लिए, जितना ज़्यादा ऑयल होगा उतना बढ़िया है गियर बॉक्स में। और मैटिंग काफ़ी बढ़िया दी है, प्लेन पायदान में काफ़ी खुला पायदान दिया है, क्योंकि ड्राइवर थके ना, आरामदायक सब कुछ किया कंपनी ने ड्राइवर के हिसाब से। और सस्पेंडर पैडल दिए हैं सबसे बड़ी बात, जिससे पैर नहीं थकते, और सीट भी एडजस्टेबल दिया काफ़ी बढ़िया, जितनी पीछे होगी उतनी ऊपर होगी, कंपनी को पता है लंबा बंदा पीछे करता है, तो चक्कर में उन्होंने ऐसे कर दिया। डैशबोर्ड काफ़ी बढ़िया दिया कंपनी ने, इसमें एक मीटर दिया है जिससे लिफ्ट कितनी ऊपर नीचे होती है वो भी पता लग जाता है, और RPM दिए हैं, और 540 चक्कर 1700 RPM में दिए हैं इसके। और डिजिटल मीटर दिया सेंटर में, उसमें फ्यूल टेम्परेचर रेस भी काफ़ी लंबी दी है, सॉफ्ट है। और इधर की साइड 1, 2, 3, 4 गियर है, रिवर्स गियर का है इसका बेस मॉडल का। और लिफ्ट कैपेसिटी इसकी 20.5 क्विंटल की है, मेरी पहली वीडियो मैंने आपको बताया कैसे इसकी कैपेसिटी लिफ्ट कैपेसिटी बढ़ती है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। इसमें Mark II लिफ्ट है, और इसमें डिफरेंशियल लॉक भी दिया है, जिससे दोनों टायर जो लगाते हैं सबसे बढ़िया बात। और इधर स्टिकर दिए हैं ड्राइवर जो नया बैठता है उसको समझने के लिए, और इसमें ये भी बताया कौन सा गियर ऑयल डलता है इसमें। नीचे पैर ऑयल रेस काफ़ी सॉफ्ट दिया, खुला पायदान दिया, हीट गार्ड दिए हैं, ऑयल मर्स ब्रेक दिए हैं, दोनों तरफ 4-4 प्लेटें दी हैं ब्रेक की सस्पेंडर पैडल के साथ, और ये हैंड ब्रेक दी है, कोई काफ़ी मॉडर्न टाइम में आसानी से लग जाती है ब्रेक।
और स्टेयरिंग काफ़ी मजबूत दिया है, ओपन मैसिव ब्रेक साइन है और ये सटल गियर है, और इधर एक दो तीन चार गियर हैं और इधर हाई लो है। अच्छा, ऊपर इसका फॉरवर्ड और रिवर्स गियर दिया है, न्यूट्रल दिया है बीच में, 8+8 गियर बॉक्स के साथ आया ये, मतलब ये सेकंड मॉडल है। पहला मॉडल 8+2 के साथ आता है, ये सेकंड मॉडल है 8+8 में, जो 4F4 में आता है, ये वही मॉडल है इसमें दिया है। ये ट्रैक्टर ड्यूल क्लच में आता है और ये सिस्टम बहुत बढ़िया दिया है। जब आप ट्रैक्टर लंबे समय के लिए खड़ा करते हैं तो क्लच दबा के इसको लगा के खड़ा कर सकते हैं, जिससे क्लच पे चिपकती नहीं है, लॉन्ग लाइफ रहती है क्लच पेट। और इस जो क्लच है, ये क्लच को हम सिंगल डबल कर सकते हैं इससे। अब ये सिंगल क्लच है, इस टाइम इसको नीचे किया है, अब इसको हटा देंगे साइड में और पूरा क्लच दबेगा, फिर ड्यूल क्लच होगा, इससे क्लच पेट और बचेगी। कंपनी ने काफ़ी बढ़िया दिया है कि क्लच पेट बची रहे लॉन्ग लाइफ के लिए। और क्लच पेट काफ़ी जब जोर लगता है, बाई चांस क्लच पेट डीली हो जाए, हम यहीं से टाइट कर सकते हैं, डीली कर सकते हैं, नट दिया है। काफ़ी बढ़िया कंपनी दे रही है, मरगाड़ी काफ़ी बढ़िया दी है। और इधर पीटीओ दी है, जिसमें MS PTO GS P2 है, जो इसका पीटो गियर है, MS PTO GS P2 में एक ही गियर लगता है। LPTO में 540 चक्कर करते हैं और GS PTO MS PTO में गियर में पीटो चला सकते हैं एक ही साइड में। अब सब मैसी ट्रैक्टर में ये पीटो आ रही है, जितने गियर होंगे उतने चक्कर घूमेंगे। और नीचे एक अलग से गियर दिया है, जब आप खड़े ट्रैक्टर में गियरों में चलानी है तो इसको न्यूट्रल कर देंगे, जो जगह है उसकी गियरों की, गरारियों की, वो अलग हो जाएगी पिछले हिस्से से। इससे खड़े ट्रैक्टर में हर गियर में पीटो चला सकते हैं, थ्रेसर में, पंखे में। काफ़ी बढ़िया कंपनी दिया है और ये चीज़ बहुत बढ़िया दी है कंपनी ने। इससे ट्रैक्टर 20 साल भी खड़ा कर देंगे बंद करके तो लिफ्ट नीचे ही जाएगी, और इससे लॉक कर दिया तो इसको लॉक कहते हैं। और यहाँ गियर ऑयल का ऑयल डलता है, ऊपर ही दिया है। और नीचे चार्जर दिया है, चार्जर के साथ फ़ोन रखने के लिए भी जगह दी है, और यहाँ पर चैसी नंबर लिखा है। और इसमें जो स्विच है चाबी वाला, उसमें चारों तरफ लाइट दिया कि बंदे को रात को पता लग जाए कि चाबी कहाँ लगनी है। काफ़ी बढ़िया सामने दिया है लुक, बहुत बड़े ट्रैक्टर दिया है, और गाड़ी काफ़ी बड़ी दी है। यहाँ साइड में पकड़ने के लिए दिया, लाइट में ऊपर कवर दिए हैं लाइट्स के, इंडिकेटर के ऊपर, इधर दोनों साइड में दिए हैं। ट्रैक्टर स्मार्ट इसलिए बनाया है, इसमें एक स्मार्ट की मिली है, जिससे आप ट्रैक्टर सारा लॉक अनलॉक कर सकते हैं, लाइट जगा सकते हैं। वो वीडियो मैंने पहले डाली हुई है, अपलोड की है, उसमें आप देख सकते हैं। काफ़ी बढ़िया स्टिकर दिए हैं, जो पहले मैसी में स्टिकर आते थे वो ख़राब हो जाते थे। अच्छा हुआ इसमें ड्यूल जैक नहीं दिए, सिंगल छोटे वाले, उसमें बड़ी दिक्कत होती थी, वो सीले लीक हो जाती थी, रुकती नहीं थी। सिंगल जैक बढ़िया है। ये टर्बो पाइप दिया साइड में, और ऑयल चेक करने के लिए जगह दी है। इसमें 7.5 लीटर आता तेल सर्विस का। और ये टर्बो दिया, मैं बाद में बताऊँगा कितने नंबर की टर्बो है, किस कंपनी की टर्बो है ये। ये फिल्टर दिए हैं, इसके ऊपर ही पुराने टर्बो में, पुराने मैसी में दिए हैं पंप, पर इसमें सिंपल कर दिया, नीचे बस पाइप लगा दिए हैं। काफ़ी बढ़िया इंजन है इसका, 2700 cc 2.7 लीटर का, साइड शिफ्ट, असली साइड शिफ्ट मानती कंपनी इसको। काफ़ी नीचे बढ़िया दिया, और सेंसर दिया पीछे लाइट जगने का, ब्रेक के लिए। ये 58 HP का इंजन है जो मैसी का, ये 65 HP तक आउटपुट देता है, क्योंकि इसकी नोजल के सुराख चेंज किए हैं और इनका जो ब्लॉक है वो बड़ा होता है और स्ट्रोक इनकी लंबी होती है। इस चक्कर में ये ट्रैक्टर बहुत बढ़िया जोर लगाता है, इसका टॉर्क बहुत है, 264 का टॉर्क है इसका, सबसे बढ़िया बात है। अब आ जाओ उसके हुक पे, तो इसके हुक में कंपनी ने सबसे बढ़िया जुगाड़ दिया कि सीधी कर दी पीछे से, वही हिस्से में, पहले पीछे गोल हिस्सा आता था जिससे जो मजबूती थी हुक की वो नहीं थी, अब इसमें स्टड दे दिए हैं स्टेट में। और जो इसकी P2 HP वो 56.5 HP की है 1700 RPM में, और जो इंजन है इसका 2000 RPM में 58 HP प्रोड्यूस करता है। सबसे बड़ी बात है कि लो RPM में ज़्यादा जोर लगाता है ये, तभी ट्रैक्टर बहुत कामयाब है ये। और चक्कर मैंने आपको पीटो को बता ही दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर लगे हैं ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटर का गियर लगा है। अब कंपनी, हर कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर दे देगी साथ में, उनको पता है, क्योंकि अब हर बंदे को जरूरत है। टोपरी अटकाने के लिए जगह दी है, मड़गार भी काफ़ी बढ़िया दी है, नीचे गैप दिया, टूल बॉक्स दिया पीछे, सब मैसी में टूल यही आता सेम। सीट एक बार देख लो कैसे, जब जितनी पीछे करोगे उतनी ऊपर होगी सीट इसकी, ये खासियत दे दी है। और ये जगह दी है, जो गैस बनती है अंदर, जो गर्मैश होती है क्लच प्लेट की, वो यहाँ से निकल जाएगी। मतलब क्लच प्लेट के लिए कंपनी ने बहुत ध्यान दिया है, क्लच प्लेट भी बड़ी कर दी है इसकी पहले से। और इसकी गैलेक्सी गियर की बात ही छोड़ दो, सबसे अलग हिस्सा होता है मैसी का, खुद बनाती हिस्सा, एक मैसी होगी एक न्यू हॉलैंड होगी, ये इंजन दूसरे से लेती है और अगला पिछला हिस्सा अब खुद बनाती है। मैसी का अलग ही प्लंटी ड्राइव है अलग से, ये 120 hp तक हिस्सा लगा है, पर इसकी थोड़ी ट्यूबें छोटी हैं। और देखो ये मरगार में नीचे कैसी जगह दी है, भाई साहब आपने छतरी लगानी हो, और बड़े ट्रैक्टर में मरगार थोड़े जस्ट बाहर को जाते हैं, इसलिए नीचे
लाइंस दी है मड़गार फिट करने के लिए, और छतरी फिट करने के लिए जगह दी है मड़गार के नीचे, और मड़गार भी ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर से, कितने नीचे करने हैं कितने ऊपर करने हैं। इसकी लिफ्ट कैपेसिटी मैंने आपको बताई है, और लिंकें काफ़ी इसकी लंबी हैं जो लोग पसंद करते हैं लिंकें लंबी। सिर्फ स्मार्ट ट्रैक्टर का ही ऑप्शन में दिया कंपनी ने, इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट लग जाती है अलग से अगर लगवानी हो। उसका मैंने खर्चा आपको पहली वीडियो में बताया कितना खर्चा आता है। हाँ जी दोस्तों, मेरा जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी मेरी और वीडियोज़ देखने के लिए और नॉलेज लेने के लिए, और लाइक भी कर दीजिए। अब आ जाओ इसकी अंदर की बात। सो इसकी आगे खुलती है, काफ़ी भारी सो है इसकी लोहे की, मजबूत। देखो कैसे दोनों तरफ जाली दी है। इसकी जो टेंकी है 70 लीटर की टेंकी है इसकी, जो टेंकी इसकी बढ़ा दी पहले से, पहले 60 लीटर की थी, काफ़ी बढ़िया टेंकी कर दी है। ये वापसी का तेल यहाँ से आता है। इसमें ड्यूल रेडिएटर लगा है, एक इंटरकूलर लगा है और एक रेडिएटर लगा है, क्योंकि टर्बो लगी है इसमें। टर्बो के लिए इंटरकूलर सही रहता है, और इसका जो फिल्टर है हवा लेने वाला वो ड्राई किया है। टर्बो में ड्राई ज़्यादा कामयाब होता है क्योंकि उसको हवा ज़्यादा चाहिए इसलिए। और उसकी पंखे वाली जो गरारी है वो काफ़ी छोटी की है, बड़ी करनी चाहिए तब भी ट्रैक्टर गर्म नहीं होता, क्योंकि इंटरकूलर दिया है इसमें। ये देखो जी काफ़ी छोटी की है इसकी पंखे वाली, और फ्रंट में बैटरी दी है, इससे वजन भी आ जाता आगे से। कूलेंट के लिए एक्स्ट्रा स्टोरेज दी है, और इसमें सेंसर लगा है जो हवा लेने वाला फिल्टर है, उसमें चौक हो जाए पता लग जाए। और इसमें जो टर्बो दिया है वो होल सेट कंपनी की दी है 20 नंबर की। जो वायरिंग गई है लाइट्स की वो तो पता नहीं लग रहा कहाँ से गई है, लेकिन दूसरी कंपनी में पता लगता है कि वायरिंग जा रही है। और दो जैक दिए हैं शो उठाने के लिए। ये ट्रैक्टर है जो 2000 RPM में 58 HP प्रोड्यूस करता है। इस चक्कर में ट्रैक्टर ज़्यादा कामयाब है, और 65 HP तक को ट्रैक्टर ये टक्कर देता है। इसकी जो आउटपुट है वो 65 HP तक कभी हो जाती है। हाँ जी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, कुछ चीज़ की कमी रह गई तो कुछ चीज़ पूछनी हो तो ज़रूर पूछें। धन्यवाद। ट्रैक्टर का वज़न 26 क्विंटल 20 किलो है वेट्स के साथ।